उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा क्राफ्ट विलेज कुंडा आमेर का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम प्रशांत शर्मा, विधायक आमेर, जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल एवं अमृत राज्य विकास आयुक्त हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार की गरिमाई उपस्थिति में संपन्न हुआ। साथ ही जेडीए के अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारी भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिल्प ग्राम के विकास से उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय हैंडीक्राफ्ट को उपयुक्त जगह मिलेगी, वहीं उनके उत्पादों को भी अच्छा दाम मिल सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सकेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फेज प्रथम में राशि 365.68 लाख का कार्यादेश जारी किया गया। वर्तमान में राशि रुपये 327.21 लाख की लागत से फेज प्रथम का कार्य पूर्ण किया गया। उक्त कार्य के अंतर्गत कुम्हारों के घरों का फ्रंट पसाड़ कार्य, कुम्हारों के कार्य क्षेत्र का विकास, प्रवेश व निकास द्वार, साइनेजेस, रोड लाइट, कुम्हारों की जीवन शैली से संबंधित संकब्चर कार्य, कोबर सड़क निर्माण कार्य, खुले नाले को कवर करने के साथ साथ सौंदर्यकरण एवं विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को उक्त कार्य के लिए कर्मचारी एजेंसी नियुक्त किया गया एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात अनुबंध के अनुसार डीसी हैंडीक्राफ्ट द्वारा वस्त्र मंत्रालय एवं पर्यटन विभाग में सामंजस्य स्थापित करते हुए क्राफ्ट विलेज के संचालन हेतु एक प्रबंधन कमेटी बनाई जाएगी।